हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीताज क्रिएशन। मार्केट में अभी बड़ी आंख वाले बहुत सारे सीताफल आ रहे हैं। उसका पल्प निकालना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, पर हम इसे आसानी से बीज अलग कर सकते हैं। इसके देखिए, पूरे पल्प में से हमने बीज अलग कर लिए और बहुत आसान तरीका है, और इसे स्टोर करने का भी तरीका मैंने बताया है। तो चलिए करते हैं। इसके लिए लिया है 1 किलो सीताफल, यानी 4 से 5 सीताफल आएंगे। बड़ी आंख वाले और पके हुए सीताफल हमें चाहिए। हम इसे हाफ करेंगे और हाफ करके इसे स्कूप करेंगे, और स्कूप करके इसे हमें चॉपर में लेना है, और चॉपर में हमें चॉपिंग ब्लेड नहीं लगाना है, विस्किंग वाली ब्लेड लगाना है। चॉपिंग ब्लेड लगाने से वह उसके बीजों के टुकड़े हो सकते हैं या वह भी चॉप हो सकता है। विस्किंग ब्लेड से उसके सिर्फ फ्लेक्स अलग होंगे और बीज अलग हो जाएंगे। ना छानना ना घिसना, बहुत ही आसान तरीका है, और 2 मिनट में हम इससे बीज अलग कर सकते हैं। और उसके आप बहुत सारी वेराइटीज़ बना सकते हो, जैसे सीताफल रबड़ी हो, आइसक्रीम हो, या फिर केक हो या शेक हो। देखिए, हमने सारे सीताफल के, यानी 4 से 5 सीताफल के मैंने इसमें चम्मच से पल्प निकाल लिया है। अब इसके हम बीज अलग कर सकते हैं। इसका ढक्कन लगा लिया है और सिर्फ 4 से 5 बार ही हमें इसे चॉप करना है। जैसे यह विस्क होगा, वैसे ही उसका फ्लेक्स और बीज अलग हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे मेन तो छानने और घिसने की इसमें हमारी तकलीफ कम हो गई है। देखिए, ब्लेड निकल जाती है आसानी से, और हम इसे प्लेट में निकालेंगे। और प्लेट में निकाल के चम्मच के सहायता से फटाफट इसके बीज अलग हो जाएंगे। एक आधा फ्लेक्स यदि रह भी गया तो उसे हाथों से निकाल के हम दबाकर निकाल के उसके बीज अलग कर सकते हैं। बहुत फास्ट काम है। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए और हर मौसम में सीताफल का मजा लीजिए। देखिए, इसका फ्लेक्स अलग हो गया है, यानी पल्प हमारा पूरा बाजू में हो गया है, सीड्स अलग हो गए हैं। ऐसी तरह हमने सारे पल्प में से सीड्स अलग कर लिए हैं। अब इसे स्टोर करना है, तो हम पूरे सीजन में इसका मजा ले सकते हैं। पूरे साल भर तक एयरटाइट कंटेनर लिया है और उसके अंदर हमने आधा पल्प डाला है। अब इसमें हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे शुगर डालेंगे। ग्रैनुलेटेड शुगर है, 2 टीस्पून शुगर डालती हूँ, क्योंकि सीताफल ऑलरेडी मीठा रहता है और यह काला नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमें ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ करना है। बाकी बचा हुआ भी पल्प डालते हैं, और उसमें से एयर निकालने के लिए हम इस पल्प को लेवल करेंगे ताकि उसकी एयर निकल जाए। अब इसमें थोड़ी सी ग्रैनुलेटेड शुगर ऊपर से और स्प्रिंकल करेंगे। यह स्प्रिंकल करना बहुत ज़रूरी है, उसका कलर काला नहीं होगा, इंटैक्ट रहेगा। अब इसे ढक्कन लगा के तुम्हें फ्रीजर में स्टोर करने के लिए रखना है। देखिए, हमने 15 दिन पहले स्टोर करके रखा था। कलर इसका एज इट इज सीताफल के जैसा है, और इसके फ्लेक्स एज इट इज है, ऐसे बारीक चूरा या पल्प नहीं हुआ है। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपने यह क्या बनाया है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी। बाय।